बस अब कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ समझने पर फोकस करेंगे और सुनने पर फोकस करेंगे। ठीक है, एक सर्कल के अंदर अगर ये सेंटर है और उस सेंटर से ये एक रेडियस बनाई मैंने OA और एक और रेडियस बनाई OB, तो रेडियस क्या होती है सर्कल की? इक्वल होती है। एक सर्कल में जितनी भी रेडियस बनती है वो सारी क्या होती है? इक्वल। ये वाला पार्ट सर्कल का क्या कहलाएगा? आर्क। ये क्या कहलाता था? आर्क। ये रेडियस, ये भी रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच में जो ये एरिया बन रहा है इसको हम क्या बोलते थे? सेक्टर। दो रेडियस और आर्क के बीच में जो ये एरिया बनता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। द एरिया बिटवीन टू रेडिया एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर। ठीक है, ये सर्कल, ये उसका सेंटर, ये ए, ये बी, ए और बी को मिलाकर जो ये लाइन बनी है ये क्या कहलाएगी? कोण। क्या कहलाती है? ये सर्कल के एक बाउंड्री पॉइंट से दूसरे बाउंड्री तक पॉइंट की जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कोण। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? आर्क। क्या होता है ये? आर्क। कोण और आर्क के बीच में जो ये एरिया है ये एरिया कहलाता था सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। कोण और आर्क के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? सेगमेंट। रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया सेक्टर, कोण और आर्क के बीच का एरिया सेगमेंट। ध्यान रखना, जब सेगमेंट की बात होगी तो अलग है, सेक्टर की बात होगी तो अलग है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला था। क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर थीटा क्या होता है? एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल। वो एंगल जो सेंटर पर बन रहा है, वो एंगल जो सेंटर पर बन रहा है उस एंगल को हम क्या बोलते थे? थीटा। और थीटा अगर हमें पता है और रेडियस हमें पता है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर इजिली निकाल सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे और इनकी हेल्प से हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर ली थी। ठीक है, तो मेन मेन क्वेश्चन जितने थे एक्सरसाइज के सारे हो चुके थे। वो जो दो क्वेश्चन बचे हैं उनको एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको क्लास में करा चुका हूं। उसमें 60 डिग्री का एंगल दिया है, 60 डिग्री का एंगल वाले में बाकी दो भी कितने आ जाते हैं? 60, जिसकी वजह से ट्राइंगल कैसा बन जाता है? इक्विलेटर ट्राइंगल। तो जिन्होंने नहीं किए हैं एक बार उनको करके देखना, नहीं होंगे तो क्लास में डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, दो बचे थे सिर्फ एक्सरसाइज के। फिलहाल मैं आपको वो रिपीट नहीं करा रहा हूँ, फिलहाल मैं आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो इसी को नोट करेंगे। पहले हेडिंग बनाओ अपने पास, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि एक बेसिक ये है कि सेक्टर क्या होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, सेगमेंट कैसे बनता है वो हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वो सारी चीजें आपके सामने लिखकर दिखा दी। अगर मुझे कभी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने को कहा जाए किसी क्वेश्चन में, क्या निकालने को कहा जाए? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, बट हां मैं अगर रेडियस ज्वाइन करूं लाइक दिस, तो रेडियस ज्वाइन करने से ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बन जाता है? सेक्टर। रेडियस ज्वाइन करने से ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बन जाता है? सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना आता है
फॉर्मूला लगाकर, क्या है फॉर्मूला, तो सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाता है। दोबारा देखना, ये जो मेरे पास कोण को सॉरी रेडियस को ज्वाइन करके एरिया बना है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, सेक्टर। ये क्या कहलाता है, सेक्टर। सेक्टर का एरिया हमें निकालना आता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास सेक्टर का एरिया है, ये पूरा एरिया है, तो उसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को, ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है ओ ए बी, इसके एरिया को अगर माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, जो कि किसका एरिया है, सेगमेंट का। किसका एरिया, ये सेगमेंट। तो अगर आपको एरिया और सेगमेंट निकालना होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है, इसके लिए आप क्या करते हैं, आप पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, माइनस। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर और फिर उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, माइनस। क्या निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। हालांकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने ये सारी चीजें आपको इसलिए बता दी क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अगर किसी को ध्यान नहीं थी तो उनको ध्यान आ जाएंगी, और अगर किसी ने क्लास मिस की थी किसी भी वजह से तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये ही बेसिक्स हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इन्हीं के ऊपर टिके हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हमें सोचने की या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हेडिंग डालकर ये दोनों चीजें नोट कर लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन आंसर देख। जिनके पास पुरानी बुक है उनको मैं बता दूं, ये एक्सरसाइज जो है थर्ड एक्सरसाइज है आपकी बुक के हिसाब से, पुरानी बुक के हिसाब से, न्यू वाली बुक में कट है। कुछ नहीं इसमें, बस क्वेश्चंस हैं जो कि उसी के ऊपर बेस्ड हैं जो अब तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस उसके एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो कितना सिंपल सा यहाँ पर फिगर, देखो जरा ध्यान से बोर्ड पर, दो सर्कल्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है, जिनका सेंटर सेम होता है उन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, वो सेंट्रिक सर्कल्स। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये हमने साइंस में मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी पढ़ा था। जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहां पर दो कोसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिए गए हैं, ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया, यही ध्यान रखना, बोर्ड पर देखते रहो सभी बच्चे, ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया। ये बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, ओ ए बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, रेडियस। ऐसे ही ओ सी बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, रेडियस। दो रेडियस और आर्क के बीच में जो ये पूरा बनेगा एरिया, इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिग सर्कल। अगर मैं इसकी बात करूं, बोर्ड पर देखते रहना, समझते रहना, ओ से लेकर बी और ओ से लेकर डी, तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए भी क्या है, ये सेक्टर। ओ से लेकर बी तक रेडियस है, ओ से लेकर डी तक भी रेडियस है, और ये क्या है, उसका आर्क हो गया। तो आर्क और रेडियस के बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गया, सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, आपको ना ये वाला निकालना है, शेड वाला जो ब्लू कलर से शेडेड है, ये वाला पार्ट आपको निकालना है जो ब्लू कलर से शेड है। कैसे निकालें, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया क्या कर दो, किस किस को दिख रहा है साफ साफ, ये चीज समझ आ रही है सभी को, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो दोनों के एरिया को क्या करना है बच्चों, माइनस। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉल सर्कल अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमने बड़े सेक्टर का एरिया और छोटे वाले सेक्टर के एरिया को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब बड़े सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस ज्यादा है इसलिए उसको कैपिटल आर से शो कर दिया। छोटे वाले सर्कल का फॉर्मूला भी यही होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कम है इसलिए इसको स्मॉल आर से शो कर दिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों के लिए थीटा सेम है इसलिए दोनों को थीटा ही लिखा रहने दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करने से पहले
या वैल्यूज पुट करके आगे बढ़ने से पहले हम इसमें से कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। तो एक तो थीटा कॉमन आना है दोनों में, पाई कॉमन है और नीचे से 360 कॉमन है। तो इन सब चीजों को हम कॉमन ले लेते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहां तक किस किस को क्लियर है? बस इसके बाद वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज हमें पता है, थीटा कितना है 40, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, स्मॉल आर दूसरे सर्कल की रेडियस 7 गिवन है। तो जब सारी वैल्यूज पता है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको नोट क्या क्या करना है, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, फिगर बनानी है और सॉल्यूशन नोट करना और करके दिखाना है। जल्दी से शुरू हो जाओ, कहीं पर डाउट आ रहा है तो रेज हैंड करके मुझे अपने पास बुला लो, मैं समझा दूंगा। किसने सॉल्व किया तो बताओ फाइनल आंसर, एक बोलो पहले आप बोलो। 154/3, इसको पॉइंट्स में करेंगे तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। वैसे कॉन्सेप्ट समझ आया, मुश्किल तो नहीं लगा? सिंपल, हमें बस ये देखना है कि शेडेड पार्ट किस किस को मिलाकर या किस किस को माइनस करके बन रहा है और बस उनको प्लस माइनस कर देना, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में यही सब करने वाले हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैंने जो पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं बोर्ड में TYQs, वो मैंने वर्कशीट में डाले। वर्कशीट जो मैंने आपको दी थी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की, उसमें मोस्टली PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक लगते हैं बच्चों को, उनको हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप वर्कशीट कर चुके हो ना वो वाली, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट हैं या प्रॉब्लमेटिक लगते हैं उनको क्लास में डिस्कस करें। ये हो गया नोट, नोट हो गया ये, जल्दी से करो। आंसर किस किस ने निकाल दिया है सही? बाकी बच्चे भी स्पीड अप करो, खाली बैठकर इधर उधर बातों में टाइम वेस्ट मत करना, सॉल्व करते रहना, दिमाग को चलाते रहना, जितना चलाओगे उतना बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बोर्ड पर समझने की कोशिश करो फिर से। यहां पर आपसे कहा गया है कि आपके पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इसकी हमें साइड भी दी गई है 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस स्क्वायर की साइड्स की हेल्प से ही हमने दो सेमी सर्कल्स बना रखे हैं, एक सेमी सर्कल ये रहा और एक सेमी सर्कल ये रहा, राइट। इन सेमी सर्कल्स के लिए, चलो इस सेमी सर्कल पर ध्यान दो, इस सेमी सर्कल के लिए ये क्या कहलाएगी, कौन कौन कह रहा डायमीटर, ध्यान देना सभी बच्चे। ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के लिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी बच्चों, डायमीटर, ठीक है। अब अगर मुझे सर्कल की डायमीटर पता है तो मैं उसकी रेडियस निकाल सकता हूं, कैसे, हाफ करके, डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकल जाती है, ठीक है। चलो अब मुझे ये पता है कि इसकी डायमीटर 14 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी 7 है तो इसकी ये वाली भी 7 ही हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये भी 14, ये भी 14, इसका हाफ 7, इसका हाफ भी 7, ठीक। अब आपको क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो सीधा सीधा दिख रहा है, स्क्वायर का एरिया निकालो और दो सेमी सर्कल का एरिया निकालकर माइनस करें या प्लस, स्क्वायर का जब एरिया निकालेंगे तो सारा एरिया आ जाएगा, उसमें से इस सेमी सर्कल को भी हटा दो, इस सेमी सर्कल का भी एरिया हटा दो, हटाने का मतलब है माइनस कर दो, ठीक है। तो कर लो मेरे साथ साथ, कर लो, पहले फिगर बना लो और फिर करना शुरू कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें निकालना आता है,
साइड इंटू साइड करके निकाल सकते हैं, 14 इंटू 14 196 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एक का या दो का, दो का। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, वैसे अगर सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो हाफ, हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया, और दो है तो इसलिए टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, टू से क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, टू से टू कैंसिल, पाई इज 22/7, आर इज 7, 7 का स्क्वायर 49, जो भी आएगा कैंसिल करके सॉल्व कर लेना इसको, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए इन दोनों के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 196, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स आया 154, दोनों का एरिया माइनस करके कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन भी आसान, फिगर भी आसान, समझना भी आसान, करना भी आसान, और कैलकुलेशन भी आसान थी इसमें। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है, अभी धीरे धीरे लेवल अप होता चला जाएगा क्वेश्चन का। यहां तक समझ आ रहा है सबको? अच्छा, कैलकुलेशंस थोड़ी मुश्किल आती हैं, इसलिए कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, पूरा फोकस रखना कैलकुलेशंस पर। कैलकुलेशंस तब होंगी जब आप करोगे उसे प्रॉपर तरीके से। कार्तिक एक सीट पीछे चले जाओ, अल्तमश आप आ गए, हो गया नोट, जल्दी करो जिसका नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा सा लेवल अप हो गया, तो इसको पेन रोक कर समझिएगा, प्लीज पुट योर पेन्स डाउन एंड फोकस ऑन लर्निंग, आई विल गिव यू एन एक्स्ट्रा टाइम, इसको नोट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा मैं आपको। ध्यान देना जरा, इसमें काफी कुछ समझना पड़ेगा आपको, फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप फुल करेंगे, मेरा काम है कॉन्सेप्ट को समझाने का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की खास बात यह है कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो एरिया का फॉर्मूला भी पता है हमें, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एक सर्कल भी बन रहा है उसके ऊपर, एक आर्क टाइप बन रहा है कुछ ऐसे लाइक दिस, और इस पूरे के पूरे पार्ट को उसने शेड कर दिया, उसने ट्राइंगल को भी शेड कर दिया और सर्कल को भी शेड कर दिया, और कहा इसका एरिया निकालो। क्या कह रहा है? इसका एरिया निकालने को कह रहा है। तो अब एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके, या तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये पूरा सर्कल है, ठीक है, और इस पूरे सर्कल को लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया ले रहा हूं, सर्कल का, पूरे सर्कल का क्या ले लिया, एरिया। और देखते जाना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे, फोकस ही नहीं रखना थोड़ी देर के लिए। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का भी क्या ले लो, एरिया, क्योंकि ये भी शेड हो रहा है, तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई है यहां पर, बताओ क्या गड़बड़ हुई है, कौन कौन बता सकता है, रेज हैंड करो, बताओ आरफ सैनी क्या गड़बड़ हुई है, सर्कल का कुछ पार्ट ऐसा था जो ट्राइंगल के पार्ट में आ रहा था और वो ट्राइंगल में भी आ गया, तो वो दो बार आ गया, कितनी बार काउंट हो गया, वो सर्कल में भी काउंट हो गया और ट्राइंगल में भी काउंट हो गया, ये है वो पार्ट। दिख रहा है येलो कलर पीछे तक, दिख रहा है क्या, हाँ या ना बोल दिया करो, इतना काफी होता है, दिख रहा है ये वाला कलर,
तो ये वाला वो पार्ट है जो दोनों में आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो जब आपने सर्कल का एरिया लिया और ट्राइंगल का एरिया लिया और दोनों को प्लस किया, तो ये वाला पार्ट दो बार प्लस हो गया, तो ये गड़बड़ हुई है ना। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमें इस वाले पार्ट को एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से, समझ आ रहा सबको? सर्कल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया लेते टाइम ये वाला जो हिस्सा था ये दो बार आ गया, दो बार थोड़ी ना लेंगे इसे, एक ही बार लेंगे, तो एक बार क्या करना पड़ेगा इसको, माइनस। तो माइनस करने के लिए मुझे इसकी शेप पता होनी चाहिए, कैसी शेप है इसकी, सेक्टर, कैसी शेप है इसकी, दिख रहा है ना साफ साफ सेक्टर सभी को बनता हुआ। तो इसका सेक्टर का जो एरिया होगा उसे हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस। तो शेड करते हुए देखो, उसने पूरी फिगर को शेड कर दिया था, तो शेड करने की वजह से मुझे पूरी फिगर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैंने सर्कल का एरिया लिया, ट्रायंगल का एरिया लिया, दोनों को प्लस किया, लेकिन सर्कल का एरिया और ट्रायंगल के एरिया में ये वाला पार्ट ऐसा था तो दोनों में आ गया, तो उसको एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो सेक्टर के एरिया को हमने एक बार क्या कर दिया, माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को यहां तक? बस इसके बाद क्या करना है, सबका फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। फिर सेक्टर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सबके फॉर्मूलाज लगा दिए, सर्कल का भी, ट्राइंगल का भी और सेक्टर का भी। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस, रेडियस क्वेश्चन में फिगर में गिवन है, कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर, रूट 3/4 एज इट इज, साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी गिवन थी, 12, तो 12 का स्क्वायर, माइनस थीटा। कौन कौन बता सकता है थीटा, रेज हैंड करो, वर्णन, 60, ये वाला एंगल ध्यान दो ना बच्चों, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का है ना ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, तो इसलिए थीटा कितना होगा, 60। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए याद रखना कि ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, हर एक एंगल 60, तो थीटा कितना लेंगे यहां पर, 60, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको पता है, बस अब आपको सॉल्व करना है, कॉमन ले लेना जहां लिया जा सकता है, नोट कर लो, पहले फिगर बना लो फिर नोट कर लो फिर सॉल्व। देखो जिनको हल्का सा भी डाउट है एक बार समझ लो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास जो ये फिगर दी गई थी, एक ट्राइंगल था और उसके ऊपर एक आर्क बना हुआ था, तो इस आर्क को मैंने कंप्लीट किया तो मुझे सर्कल जैसी शेप नजर आई, और मैंने उस सर्कल का एरिया ले लिया, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि वो शेडेड है। फिर मुझे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, मैंने वो ट्राइंगल भी शेडेड है, तो मैंने उसका भी एरिया ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जब मैंने दोनों के एरियाज को प्लस किया तो मैंने देखा कि मेरे से क्या हुआ है कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये दो बार आ गया, ये सर्कल में भी था, सर्कल का हिस्सा था ना ये, और ये ट्राइंगल में भी है, तो ये कितनी बार प्लस हो गया, 2 times, जबकि करना कितनी बार है, 1 time, तो एक टाइम हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस करने के लिए पहले हमने देखा इसकी शेप कैसी है, तो इसकी शेप थी सेक्टर वाली, तो इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर को हमने क्या कर दिया था, माइनस। बस उसके बाद मैंने सबके फॉर्मूलाज लगाकर वैल्यूज पुट की है और आपसे कहा सॉल्व करने के लिए। अवनी पंडीर क्या आ रहा आंसर इसका, कोई बात रखिए रखिए, बिना रूट थ्री की वैल्यू रखिए क्या आ रहा है आंसर, किसने निकाला, 660/7 प्लस 36√3। पीछे आंसर यहां पर छोड़ रखा है, रूट थ्री की वैल्यू नहीं रख रखी, लेकिन आपको पेपर में रूट थ्री की वैल्यू रखकर सॉल्व करके दिखाना है। रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, 1.73 भी लेकर करोगे तब भी ठीक आएगा, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लेकर चलते हैं वो 1.732 लेकर चलते हैं, ओके। अगर मैं यही छोड़ रहा हूं आंसर को तो पूरे पर ब्रैकेट पर लगाकर फिर मुझे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा काम है, कैलकुलेशन करने का आपका काम है, अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। यशस्वी, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। एक क्वेश्चन दे आपको करने के लिए, खुद से ट्राई करोगे, कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ सोचना है कि कैसे कर सकते हैं, किसको प्लस करा जा सकता है और किसको माइनस।
बातें क्यों हो रही है? एक इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इसको करके देखो, पूरा दिमाग लगाना है इस पर, स्टेटमेंट्स पढ़ लेना ध्यान से, फिगर बना लेना ध्यान से, और फिर करना ट्राई। इसका क्वेश्चन भी नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, केस स्टडी के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है इसको। दो लाइंस का ही क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को भी नोट करो, फिगर को भी, फिर सोचो कैसे हो। नाइन सर्कल्स के एरिया को क्या क्या होगा? माइनस। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 37। पॉइंट्स में कुछ नहीं है, किस चीज का आंसर ठीक है पूरी तरह से? इजी क्वेश्चन है, अगर इसमें भी आपको बराबर वाले में से देखने की जरूरत पड़ी है तो आपको और ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलो ध्यान दो जरा बच्चों, क्वेश्चन इजी है ये भी बहुत ज्यादा। इसमें आपसे कहा गया है कि ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बेसिकली सेक्टर ही होता है, बस उसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट में खास बात क्या होती है कि उसका एंगल जो थीटा होता है वो कितना माना जाता है? 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसने कहा है कि उसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वाड्रेंट की रेडियस हो गई, कितनी है ये? 3.5 सेंटीमीटर। ओडी वाली जो लेंथ है, जो कि इस ट्राइंगल की हाइट भी दिख रही है, वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओएसीबी, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर आपसे क्वाड्रेंट का एरिया पूछा गया है तो इसका मतलब ये पूरा क्वाड्रेंट है आपके पास, इसका एंगल कितना लोगे? 90 डिग्री। इसकी रेडियस कितनी लोगे? 3.5। तो क्वाड्रेंट और कुछ नहीं, क्वाड्रेंट सेक्टर ही होता है, बट उसका एंगल कितना लेकर चलते हैं? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट और कुछ नहीं, सेक्टर ही होता है, बस उसका एंगल कितना लेकर चलते हैं? 90 डिग्री। तो यहां पर खुद से ही हम क्वाड्रेंट का एंगल क्या मान के चलेंगे? 90 डिग्री। तो देखो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला सेक्टर का ही लगाएंगे, जो कि क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना लेंगे? 90, क्योंकि क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है? 90। पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस है 3.5, 3.5 का स्क्वायर हो रहा है तो दो बार आ जाएगी। इसको जल्दी से नोट करके सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। क्या आएगा सॉल्व करके? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट और कुछ नहीं होता, क्वाड्रेंट सेक्टर ही होता है, बट उसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं आएगा, ये हमें खुद से याद रखना है, पहले भी हमने एक्सरसाइज में किया है क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं शेडेड रीजन का एरिया। तो शुभ कैसे निकाले शेडेड रीजन का एरिया? बेटा शुभ कैसे निकलेगा, कौन कौन बता सकता है? तो सभी बता सकते होंगे। तनिष गुड, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से शुभ क्या करेंगे? पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, समझ आ रही बात? शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस। तो सेकंड पार्ट लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को जब हमने सॉल्व किया था तो वो आया था 9.625। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है यहां पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको आर्यन बात नहीं करनी, आर्यन बाल सीधे कर बैठो। बेस भी पता है आपको ट्राइंगल का और हाइट भी पता है, बेस है 3.5 और हाइट कितनी दे रखी है? 2। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 9.625 एज इट इज,
हाफ इंटू बेस, बेस था 3.5 और हाइट कितनी है उसकी 2। इसको कटिंग वगैरह करके सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 9.625 माइनस 3.5, कितना आएगा माइनस करके 6. सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व, मुश्किल तो नहीं है। तो देखो ये एक्सरसाइज भले ही कट है, लेकिन क्या अभी तक मैंने कुछ नया सिखाया है इसमें? हर बार हम वही एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हर बार हम सेम 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 चीज ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पर कर रहे हैं। नई वाली बुक से ये कट है वैसे, ठीक है? किसको समझ आ रहा है सब कुछ यहां तक?